नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दुष्यंत जोशी आपको स्वागत करता हूं मैं आनंद शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिनभर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। अपनी सबसे पहली खबर की हम बात करें तो आपको पता है S-400 हम रशिया से लेने वाले हैं और अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं और इस पर गर्मा गर्म बहस उनकी कांग्रेस में भी चल रही है। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जेम्स मेडिस का यह कहना है कि जो ऐसे देश हैं जिनका रशिया से ज्यादा टाइप है और धीरे धीरे वो रशिया पे डिपेंडेंसी अपनी खत्म कर रहे हैं, जैसे कि भारत, उनको इस चीज में छूट देनी चाहिए, इस सैंक्शंस में छूट देनी चाहिए। और ऐसे देश जो कि रशिया के अलावा किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, जैसे कि भारत रशिया पे ज्यादा डिपेंडेंट है और अपनी डिपेंडेंसी वो बहुत जल्दी खत्म नहीं कर सकता है, इसलिए उनको छूट देनी चाहिए। वहीं एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि जो 2+2 मीटिंग होने वाली है, भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में मीटिंग करेंगे, उसमें यह निकलकर आ सकता है, यह प्रस्ताव रखा जा सकता है कि थार्ड जो कि अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है जो S-400 से भी बेहतर कहा जाता है, वह भारत के सामने प्रस्तुत किया जाए, यानी कि S-400 ना लेके भारत उनके थर्ड को ले ले। इससे पहले कुछ खबरों में निकल कर आया था कि अमेरिका ने पैट्रियट सिस्टम भी अपना भारत के सामने रखा था S-400 के एवज में, पर भारत ने उसको लेने से इनकार कर दिया था या उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और S-400 की ही तरफ बढ़ रहा है। तो अब इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर में निकल कर आया है कि 2+2 मीटिंग में थर्ड को सामने रखा जा सकता है S-400 के एवज में, भारत S-4 ना ले, थर्ड को ले ले। अभी प्राइस की कोई नेगोशिएशन या प्राइस के बारे में नहीं डिक्लेयर हुआ है, बस इतनी ही खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों अगली खबर में हम बात करेंगे चाइना के स्पेस स्टेशन के दूसरे भाग ट्यांगोंग 2 की। ट्यांगोंग 1 मार्च या फरवरी के समय पृथ्वी से टकराया था, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसने से उसका अधिकतम पार्ट जल गया था और उसके बाद कुछ पार्ट पैसिफिक ओशन में जाके गिरा था, ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी। इसके बाद कुछ खबरें निकलकर आई एक हफ्ता पहले कि जो चाइना का ट्यांगोंग 2 है उसी स्पेस स्टेशन का दूसरा भाग है वह भी पृथ्वी पर गिरने वाला है, और अब खबरों में निकल कर आ रहा है कि यह केवल अफवाह थी और यह अफवाह इसलिए जनरेट हुई 22 जून को इस स्पेस स्टेशन की जो ऑर्बिट है वो कम होने लगी और 95 किलोमीटर तक कम हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई। इसके बाद दो हफ्तों के अंदर ही चाइना ने इसको इंक्रीज कर लिया और लगभग 350 किलोमीटर की जो ऑर्बिट में यह घूम रहा है उसके लेवल तक पहुंचा दिया। कुछ खबरों में निकल कर आया था कि चाइना इसको डी ऑर्बिट कर रहा है, पर जैसे ही चाइना ने इसको फिर से ऑर्बिट में बैठाया सभी कयासों पे पूर्ण विराम लग गया और यह फिर से अभी अपनी कक्षा में ऑर्बिट कर रहा है। आपको पता होगा कि ट्यांगोंग 2 को सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था और स्पेस स्टेशन का ही एक भाग था जो चाइना अंतरिक्ष में बनाना चाह रहा था। ट्यांगोंग 1 पृथ्वी पे गिर चुका है और ट्यांगोंग 2 पर जो भी शोध कार्य करने हैं वो किए जा रहे हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे SU-30 जो हमारा क्रैश हो गया, उसमें हमारे पायलट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नासिक के पास ये क्रैश हुआ और ये एयरक्राफ्ट अभी अंडर प्रोडक्शन था, इसको एयरफोर्स में शामिल किया जाना था, कई प्रकार के टेस्ट ट्रायल इस पे किए जा रहे थे और इसी में ये बीच में क्रैश हो गया और इसमें टेक्निकल फॉल्ट के कारण कहा जा रहा है कि ये क्रैश हुआ। किसी भी पायलट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आपको ये पता होगा कि भारत रशिया से 272 SU-30 खरीदा है और इसमें से मैक्सिमम HAL के द्वारा बनाए जा रहे हैं। 240 प्रकार के विमान ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं और 32 इस प्रकार के विमान अभी बचे हुए हैं। उन्हीं विमानों में से एक यह विमान था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तानियों के बहुत से कमेंट मेरी वीडियोस पे पड़े हुए हैं कि आपके एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं, बनने से पहले क्रैश हो जाते हैं, एयरफोर्स में शामिल होने से पहले क्रैश हो जाते हैं। तो उनके लिए भी एक खबर है, पेशावर एयरबेस में उनका ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया जिसमें पायलट और को पायलट दोनों की ही मृत्यु हो गई है और रूटीन ट्रायल चल रहा था, रूटीन ट्रेनिंग चल रही थी उनके पायलट की और एयरक्राफ्ट की, और ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो कि पेशावर एयरबेस में लैंड ही करने वाला था कि उससे पहले ही वो क्रैश हो गया। तो गलतियां, टेक्निकल फॉल्ट कहीं भी हो सकते हैं, इसमें इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो जाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।